भारत पाकिस्तान का महामुकाबला देखने जाना पड़ा उर्वशी रौतेला को महंगा। अहमदाबाद में एक्ट्रेस को लगा बड़ा झटका। भारत के जीत का जश्न मनाने में डूबी थी उर्वशी, उसी बीच गंवा बैठी 24 कैरेट रियल गोल्ड का आईफोन। सोशल मीडिया पर लगा डाली मदद की गुहार। जी हां, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को जहां एक तरफ टीम इंडिया ने पाकिस्तान के क्रिकेट टीम को हार का बड़ा झटका दे दिया, वहीं एक झटका स्टेडियम में मौजूद एक्ट्रेस उर्वी रौतेला को भी लग गया। उर्वशी को डबल झटका लगा है, आईफोन तो आईफोन, ऊपर से 24 कैरेट का रियल गोल्ड। आप आगे तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। भारत की जीत के बाद जहां स्टेडियम में लाखों लोग खुशी से झूम रहे थे, तो वहीं एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के चेहरे की हंसी खुशी भी उड़ गई, जिसका कारण था उनके फोन का चोरी होना। 14 अक्टूबर 2023 यानी शनिवार को देश के लिए बेहद खास दिन रहा। दरअसल इन दिनों इंडिया के क्रिकेट विश्व कप 2023 का आगाज हो रहा है। ऐसे में शनिवार को पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबला हुआ। इस मैच में जीत भारत की हुई। आईसीसी वर्ल्ड कप शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। भारत की जीत के बाद जहां स्टेडियम में लाखों लोग खुशी से झूम रहे थे, तो वहीं एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के चेहरे की हंसी खुशी उड़ गई, जिसका कारण था उनका आईफोन और साथ में 24 कैरेट का गोल्ड का होना। उर्वशी रौतेला का ये आईफोन बेहद खास था। आपको बता दें कि यह 24 कैरेट गोल्ड वाला आईफोन था। इसकी जानकारी उर्वशी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट और इंस्टाग्राम पर साझा भी की। इसी के साथ उन्होंने अहमदाबाद पुलिस से भी मदद मांगी है। उन्होंने लिखा, मेरा 24 कैरेट आईफोन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खो गया है, प्लीज किसी को मिले तो तुरंत संपर्क करें। बता दें, एक्ट्रेस टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ब्लू ड्रेस में नजर आई थी। एक्ट्रेस का ये लुक उनके फैंस को काफी पसंद भी आया। अब एक्ट्रेस के पोस्ट पर यूजर ने जमकर कमेंट कर दिया। एक यूजर ने लिखा, ऋषभ भाई का हाथ तो नहीं है इसमें, तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, मुझे मिला है पर मैं नहीं दूंगा। वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, आपके पास पैसे की कमी थोड़ी ना है। और चौथे यूजर ने कुछ ऐसा लिख डाला कि आप सुन चौंक जाएंगे। चौथे यूजर ने लिखा, एल्विस यादव से मदद मांग लो। तो कैसे लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे फिल्मी संवाद के साथ। मैं थी नम्रता, धन्यवाद।